السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم محترم سامعين ناظرين आज 6 सितंबर है 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख में बहुत अहमियत का हामिल दिन है कि इस दिन हजूर अक्रम अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त नामुस का बोलबाला हुआ इस दिन हजूर अक्रम ख़त्मे नबूत का तहफ़ हुआ इस दिन उन तमाम लोगों का क़ला कमा किया गया जिन्होंने हजूर अक्रम अलैहि वसल्लम की ख़ नबूत की दीवार में सुराह करने की कोशिश की और नक़ब जनी की कोशिश की और आज के दिन मुतफ़ा तौर पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने सात सितम्बर उन्नीस सौ चौहत्तर को आइनी तरबीम मंजूर की और कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया आइनी और कानूनी तौर पर मोहतरम सामिर नाजरन ख़त्म नबूत का अक़ीदा हमारे दीन का बुनियादी अक़दा है और उन अक़ायद में से है जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है जैसे अल्लाह की तोहद पर ईमान लाना ज़रूरी है कि ला ला शरीक लू कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और अल्लाह का कोई शरीक नहीं ईमान लाने के लिए इस वहदानियत और तौहीद का और औरराफ़ ज़रूरी है इसी तरह से हजूर अक्रम की सिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी है हम जो कलमा पढ़ते हैं जिसको हम कलमा इस्लाम कलमा ईमान कहते हैं लाला मोहम्मद रसूल्ला उसके भी दो जुज़् हैं पहला जुज़ अल्लाह की वहदानियत और तोहद को बयान करता है और दूसरा जुज़ मोहम्मद रसूल्ला हजूर अकरम सल्लम की रिसालत का एतराफ़ और इकरार करवाता है ये दूसरा जुज़ तो जिस तरह से अल्लाह की तोहद को मानना ईमान लाने के लिए ज़रूरी है और मोमिन होने के लिए हजूर अक्रम सल्ल की रिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी है इसी तरह से हजूर करम सल वसलम की ख़म नबूत पर ईमान लाना भी ज़रूरी है और ये ईमान का बुनियादी हिस्सा है उन बुनियादी अक़ायद में से इसलिए कि दीन के जितने भी अक़ायद हैं और दीन की जितनी बुनियादी बातें हैं जिनको ज़रूरी आते दीन कह जाता है जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है वो यह क़रन करीम सेबित हैं या हदीस से साबित हैं या उन पर उम्मत का इजमा और इत्तिफाक हुआ है ख़त्म नबूवत का अकीद ऐसा है कि ये क़ुरान करीम से भी साबित है अहादीस से साबित है और इस पर इजमा हुआ है क़ुर करीम सराहत के साथ जिक्र करता है जैसे मैंने आपके सामने आयत पढ़ी माकाना महमद्लाबा अहदकुम वलॉक रसूल अल्लाव वातबीन वकानल्लाबिन आलिमा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि महमदल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं लेकिन वह अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानते हैं अल्लाह ताला के इलम में था कि हज़ू अकरम सर सिलसिला रिसालत और नबूत को ख़त्म करना है और ख़ातमनबी का माना हजूर अकरम सहादिश में वाज तौर पर बयान फरमाया है हजूर रकम सा फरमाया अना ख़ातनबीन कि मैं आखिरी नबी हूँ सिर्फ़ इन अल्फाज पर इतफ़ा नहीं किया बल्कि उसके बाद कहा ला नबी याबादी मेरे बात कोई नबी नहीं और हजूर रकम साम ने तमाम उन तवीलत का रास्ता अपने इस कौले मुबारक से इस शाद मुबारक से बंद कर दिया जो ख़ातमनबीन के लफ्ज़ में तरह तरह की तावील करते हैं मिर्ज़ाई और कादियानी वो भी दावा करते हैं कि हम खातिनबी को मानते हैं और हजूर सल्लम को ख़ान्नबी मानते हैं लेकिन इसके साथ साथ वो इसमें तावील करते हैं कि ख़ातनबीन का मतलब ये है कि हजूर अकरम सल्लम मोहर लगाने वाले हैं आपकी मोहर से वो कोई और भी नबी बन सकता है हजूर अक्म सल्लम ने इस तावील का रास्ता बंद कर दिया कि ला नबी आबादी और वैसे भी जहाँ इन बुनियादी अकायद और ईमान पर बुनियादी अकायद और ज़रूरियात पर ईमान लाना ज़रूरी है जो दीन की ज़रूरियात दीन कहलाते हैं जो जरूर दीन की बुनियादी बातें कहलाती हैं वहाँ उन बातों को उस तरह से मानना जो कुरान और हदीस में जिस जो उसका मफहम बयान किया गया है और पहले दिन से लेकर आज तक उम्म जो उसका माना मफ़ोम समझती रही है उस माना मफ़ूम तो के साथ तो उस पर ईमान लाना ज़रूरी है अगर कोई उसमें तावील करके कोई नया माना घटता है तो ये कहा जाएगा कि ये इसको आ, इस बुनियादी अकीदे को नहीं मानता जैसे नमाज की फर्जियत, चूँकि क़ुरान और हदीस से साबित है और उम्मत का इस पर तामुल चला आया है आज तक तो इस बात को मानना के नमाज फ़र्ज़ है और नमाज दिन का हिस्सा है ये हर आदमी के ईमान का हिस्सा है अगर कोई शख्स का नमाज का इनकार कर दे कि नमाज दीन का हिस्सा नहीं है तो वो मोमिन नहीं रहेगा यही हाल ज़क़ात का है और दूसरे बुनियादी अरकान कि अगर वो इनका इनकार कर दे, दे कि ये दीन का हिस्सा नहीं है उनको फ़र्ज़ न माने तो वो शख्स मोमिन नहीं है इसलिए कि उसने कुरान का इनकार किया उसने हदीस का इनकार किया उसने उम्मत के इत्फ़ाक़ और इजमा का इनकार किया अब अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं नमाज को तो मानता हूँ लेकिन नमाज का माना दुआ करना है कि बस हाथ उठा कर दुआ कर दें या नमाज़ का माना जरा वो वर्जिश है इस आ, वो कर ली जाए तो हर आदमी ये कहेगा जो भी मुसलमान है और नमाज को वो जानता है वो यही कहेगा कि ये नमाज को नहीं मानता इसलिए कि क़ुरान हदीस ने जो नमाज का माना बयान किया है नमाज की जो कैफियत बयान की है नमाज के जो अहकाम बयान किए हैं और उम्मत जो आज तक जिस पर अमल करती चली आई है और जो समझती रही है ये उससे हट कर एक अलग मफहम बयान करना है तो ख़ातमनबीन का माना ख़ुद हजूर रकम ने बयान फरमाया ला नबी आबादी ख़ातमनबीन का मतलब यह कि अब मेरे बात कोई नबी नहीं होगा किसी शक्ल में न वो सलातन नबूत का दावा करे वो भी नबी नहीं होगा सिल्ली बरूजी के पर्दे में लपेट कर वह नबूत का दावा करे ला नबी बादी मुतलक़न नफ़ी कर दी रकमलम ने कि मेरे बात कोई नबी नहीं होगा तो ये मसला क़र करीम से भी साबित है उलमा ने इस पर मेहनतें की हैं इस सरी आयत के अलावा भी ये ये मसला क़रन करीम की बेशुमार आयात से साबित होता है मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब ने बाकायदा इस पर किताब लिखी है उसका नाम ही है ख़त्म नबूत सो आयात जमा की हैं जिससे इस्तलाल किया है कि हज़ूर अकरम सल्लम की ख़ नबूत इन आयात से साबित होती है इसी तरह से अहादीस तवातुर के हद तक पहुँची हैं दो सौ अहादीस को हज़रत मुफ्ती साहब ने अपनी इस किताब में जम किया है और उन अहादी से सबित किया है कि ये मसला हजूर अकम की ख़त नबूत का इन दो सौ साबित और इस पर उम्मत का इजमा हुआ है बल्कि ये कहा जाए कि जिन मसाइल पर सबसे पहला इजमा किसी मसले पर अगर हुआ है तो वह ख़म नबूत का अकीदा हजूर अक्रम सल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और हज़रत अबू बकर सद्दीक रजा मसरद खिलाफत पर रौनक अफरोज़ हुए तो मुसलम कज़ाब ने नबूत का दावा किया और वो खुल कर सामने आ गया हज़रत अबू बकर और हजरत अबू बकर के ज़माने में इसके अलावा भी कुछ लोगों ने नबूवत का दावा किया था जिनमें सजा नाम एक औरत सिद्दी और इस तरह के लोग भी थे लेकिन मुसलम कजाब ये उसका क़बीला बहुत बड़ा था यमाम का रहने वाला था बनो हनीफ़ा उसका कबीला था और बड़ा मज़बूत और जंगजू कबीला था वो मैदान में आ गया और उसने नबूत का दावा किया हर बकर सद्दीक ने सारे लोगों जो ये नबूत के दावा करने वाले थे उनके ख़िलाफ़ मुहिमात और लश्कर भेजे हैं लेकिन बड़ा लश्कर भेजा है मुसलमा कज़ाब के मुकाबले में जिसमें बड़े बड़े साहब कराम ने उसमें शिरकत की है और उससे लड़ाई की है और उसको कैफर किरदार तक पहुँचाया खुद हजूर अक्रम सल्हलम ने अपने आखिरी दौर में जब असद अनसी ने यमन में दावा किया तो हजूर सल्लम ने उसको भी तहरीरी तौर पर वहाँ हुक्मनामा भेजा कि इसको ख़त्म किया जाए और दिल्मी ने असद अनसी का काम तमाम किया तो हज़रत अबूबकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तु ने जब मुसलम कज़ाब के ख़िलाफ़ और दूसरे झूठे मुदैयान नबूत के ख़िलाफ़ लश्कर भेजे हैं तो किसी एक सहाबी ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं किया कोई इश्काल नहीं उठाया कोई मुखालफत नहीं की इससे मालूम हुआ कि इस पर तमाम सहबा का इतफाक़ और इजमा हुआ और साहब कराम का किसी बात पर इतफाक़ और इजमा कर लेना ये सबसे मज़बूत इजमा कहलाता है और इजमा से भी इसी तरह से हुक्म साबित होता है जैसे क़ुरान और हदीस और फिर सिर्फ यही नहीं कि सहाबा कराम के दौर में इस पर इजमा हुआ बल्कि उस दिन से लेकर आज तक उम्म मुसलिम कभी भी इसमें दो राय का शिकार नहीं हुई कि हजूर अक्रम सल्हल ख़ातिनबी ने यह उम्मत मुसलिमा का मुतफ़ा अक़ीदा चला आ रहा है हजूर अकरम सल्लम के हयात मुबारक से आज तक और यही वजह है कि जब कभी भी किसी ने किसी मौके पर किसी जमाने में किसी इलाके में नबूवत का दावा किया तो उम्मत मुस्लिमा कभी उस पर खामोश नहीं रही और उसका कला कमा किया और उसको केफरा किरदार तक पहुंचाया। हमें यह तो मिलता है तारीख में कि मुख्तलफ लोग आए और मख्तलफ़ लोगों ने मख्तल ज़मानों में नबूत का दावा किया लेकिन कोई एक वाकया भी नहीं बताया जा सकता पूरी तारीख़ में कि किसी ने नबूत का दावा किया हो और उम्मत मुसलिम उस पर ख़ामोश हो गई हो उस इलाक़े के लोग और ख़ामोश हो गए हों कि ये इसका अपना ज़ाती मसला है या ये कोई पागल और दीवाना है इसने ऐसे ही एक बात कह दी अगर बात कह दी तो क्या हुआ नहीं या तो उसको समझाया मजबूर किया कि तुम वापस इस्लाम के दायरे में आओ और इससे जो है वह तोबा करो या फिर तुम्हारा मुसलमानों से इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं और उसकी बुनियादी वजह ये है जैसे मैंने बताया कि ये दीन का बुनियादी अक़दा है और ये एक, एक ऐसा अक़ीदा है जिस पर पूरे दीन की बुनियाद कायम ये दीन की बुनियाद है पूरी दिन की इमारत इस पर कायम है अगर ये अकीद ख़त्म नबूत निकाल दिया जाए दरमियान से तो दीन की इमारत वो मनहदम हो जाएगी वो गिर जाएगी दीन बाकी नहीं रहेगा कुरान बाकी नहीं रहेगा दीन के अहकाम बाकी नहीं रहेंगे इसलिए कि अगर बफर्ज़ महाल ये तस्लीम कर लिया जाए कि हज़ूरकम के बाद कोई नबी आ सकता है तो जो भी नबी आएगा उस नबी को यह हक़ हासिल होगा कि किसी हुक्म को मनसूख कर दे कुरान की किसी आयत को मनसूख कर दे किसी हिस्से को मनसूख कर दे पूरे कुरान करीम को मनसूख कर दे उसकी जगह पर कोई नई वही लेकर आए नए अहकाम लेकर आए वो ये उसको ये इख्तियार हो सकता है कि इस्लाम में पाँच नमाजें फ़र्ज हैं अब सिर्फ तीन नमाजें पढ़ो दो नमाज़ें पढ़ो या नमाज़ की जगह पर यह हुक्म आ गया जक़़त को मनसूख कर सकता है दूसरे अहकाम मनसूख कर सकता है नबी को यह हक़ होता है नबी के अलावा किसी को यह हक नहीं होता यह जो नबूवत को खड़ा किया जाता है झूठी नबूवत को और ख़ुद साख्ता नबूत को उसके पीछे यही एक साजिश कारफरमा होती है कि इस नबूवत के ज़रिए से हम दीन के अहकाम में तब्दीली कर दें क्योंकि किसी बड़े से बड़े आलिम किसी बड़े से बड़े वली अपने वक्त के कुतुब अपने वक्त के शेख को कितना ही बड़ा वो ऊंचे दर्जे का आदमी हो इस बात की तो आ, इजाज़त है और उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो दीन की तबलीग करे दीन की तशरी करे दीन की तोज़ी करे उसकी वजाहत करे उसमें कोई इश्तहा करे लेकिन दीन के किसी साबित शुदा हुकम को मनसूख कर दे ये किसी आलिम किसी वली किसी बुज़ुर्ग किसी को ये हक़ हासिल नहीं है हाँ नबी को ये हक़ हासिल होता है कि इससे पहले जो अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं वह बाद में आने वाला नबी उसमें तब्दीली कर सकता है उसको मनसूख कर सकता है और यहाँ पर भी अंग्रेज़ ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद ख़ादानी को जो नबी बनाया उसके पीछे यही था कि अंग्रेज़ ने बहुत कोशिश की लेकिन उसने ये देखा कि हमारे मुकाबले में मुसलमान खड़े हो जाते हैं उलमा खड़े हो जाते हैं और इनका हजूर अक्रम सल्लम के साथ इंतहाई मजबूत रिश्ता है और उन्होंने इस पर पूरी तहक़ीक़ और रिसर्च की कि जब तक इस उम्मत का ताल्लुक़ और रिश्ता हजूर अक्रम से नहीं काटा जाएगा ये उम्मत बाकी भी रहेगी बरकरार रहेगी और हमारे मुकाबले में इसी तरह से ये मुसलमान खड़े होते रहेंगे उन्होंने इसके लिए मुख्तलिफ फ़ितरें पैदा किए ग्रोही फिर वाराना जमातों को जो है उन्होंने जन्म दिया और मुख्तलिफ मसालिक वजूद में आए उनके ज़माने में ये उनकी साजिशों का नतीजा था लेकिन उसके बावजूद वो अपनी इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सके और सबसे ज़्यादा जो वो डरते थे मुसलमानों के जज्बे जिहाद से तो उन्हें ज़रूरत थी कि कोई ऐसा आदमी हो कि हम जो काम करते हैं उनको इल्हामी तइद हासिल हो कि ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ है क्योंकि मुसलमान इस पर ईमान रखते हैं और इसी तरह से ये जिहाद का हुक्म किसी तरह से मनसूख हो जाए कि हर कुछ दिन के बाद ये जो मुसलमान हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और हमारे लिए दर्द सर बने हुए हैं और मुश्किल पैदा करते हैं इसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए तो मिर्ज़ा ग़ुला अहमद के ज़िम्मे यही लगाया गया उसने अपनी बातें और अपनी खुराफात और दीन में जो तहरीफ़त उसने की हैं उसके लिए उसने इहाम का सहारा लिया कि मुझे इहाम हुआ है और ऐसा इलहाम जिस पर ईमान लाना ज़रूरी हो और अगर उसको न माना जाए तो उस पर कुफ्र का हुक्म लगाया जाए वो वही का दर्जा रखता है उसको वही कहते हैं तो मिर्ज़ा ने अपने इलाहमत पेश किए और यही कहा कि जो इनको नहीं मानेगा वो काफिर होगा वो जहन्नमी है वगैरह वगैरह और इसी तरह से उसने जिहाद के मनसूख करने का ऐलान किया कि अब जिहाद मनसूख हो चुका है अंग्रेज़ की हकूमत बरतानिया गवर्नमेंट वो इस इसकाबिल है कि उसकी इताद की जाए उसकी हिमायत की जाए उसकी मदद की जाए उसके ख़िलाफ़ लड़ना और मुसल्ला जद्दोजहद अब ये ख़त्म हो चुकी है जो ऐसा करेगा वो इस्लाम के ख़िलाफ़ करेगा जिहाद को मनसूख किया इसलिए इस नबूवत को खड़ा किया गया बहरहाल ख़म नबूत ये दिन की इस है और बुनियाद है अगर ख़म नबूत का अकीदा है ये महफूज है तो हमारा कुरान करीम भी महफूज है ख़म नबूत का अकीदा महफूज है तो हमारी नमाज महफूज है हमारी जकवात महफोज है हमारा हज महफूज है हमारा रोज़ा महफूज है हमारे दीन के तमाम अहकाम महफूज है अगर ख़त नबूत को बीच से निकाल दिया जाए तो कुरान भी अपनी असली शक्ल में बाकी नहीं रहेगा दीन के तमाम अहकाम अपनी असल शक्ल में बाकी नहीं रहेंगे इसलिए कि आने वाले नबी को यह हक़ होगा कि वह उसमें तब्दीली कर दे और सबसे बढ़कर ये बात कि अगर बफर्द महाल हज़ूर अकरम सल्ला वम के बाद किसी नबूवत को तस्लीम कर लिया जाए तो उसका नतीजा ये निकलेगा लोग समझ समझते नहीं हैं वो इस कादियानियत को भी दीगर जो अकायद की गुमराहियाँ हैं उसकी तरह एक गुमराही समझते हैं लेकिन नहीं इसके बहुत दूरस असरात हैं अगर नबोवत को तस्लीम कर लिया जाए तो उससे लाजिम यह आएगा कि अब नजात का मदार उस नबी को मानना है आज तक हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि कुरान करीम को मानना ये नजात का सबब है हजूर अकम साम पर ईमान रखना यह नजात का सबब है दीन पर चलना यह नजात का सबब है लेकिन जब नई नबूवत को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर हजूर रकम साम पर ईमान लाना काफ़ी नहीं होगा नजात के लिए क़ुर करीम को मानना काफ़ी नहीं होगा नजात के लिए दीन के तमाम अहकाम को मानना और उन पर अमल करना यह नजात के लिए काफ़ी नहीं होगा बल्कि इस नए नबो नबी पर ईमान लाना भी ज़रूरी होगा नजात के लिए और उसके ऊपर जो कोई वही या इल्हाम आते हैं उनको मानना भी जरूरी होगा नजात के लिए इसलिए कि जिस जमाने में जो नबी आता है वो पहले अंबिया की तस्दीक करता है तो पहले अंबिया को भी मानना जरूरी है और उस नबी को भी मानना जरूरी है अगर उस नबी को नहीं माना जाएगा तो नजात नहीं होगी हम जो हजूर अक्रम पर ईमान रखते हैं इससे पहले तमाम अंबिया पर ईमान रखते हैं ईसा सीम को भी मानते हैं मूसा हदमूा को भी मानते हैं और जितने भी अम्बिया उन सब पर ईमान रखते हैं अगर हम उन पर ईमान नहीं रखेंगे तो हम मुसलमान नहीं हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें हजूर रकमलम पर भी ईमान रखना होगा जब भी हम नजात पा सकेंगे हजूर रकमल के तशरीफ़ लाने के बाद तमाम अम्बिया के साथ हजूर रकम पर ईमान लाना ज़रूरी है और यही वजह है कि ईसाई तमाम अम्बिया को मानते हैं ईसा को और उससे पहले अम्बिया को हद मूसा को भी वो मानते हैं लेकिन चूंकि हजूर रकमल्म पर ईमान नहीं रखते तो वो मुसलमान नहीं हैं यहूदी हज मूस आम पर और उनकी किताब तौरात पर ईमान रखते हैं लेकिन वो बाद में आने वाले नबी पर ईमान नहीं रखते ना हज ईसा आल्लम को मानते हैं ना हजूर रकमल्लम को मानते हैं तो वह मुसलमान नहीं हैं तो इसी तरह से अगर तस्लीम कर लिया जाए बफर्द महाल कि आपके बाद कोई नबी आ सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो उस पर ईमान लाना ज़रूरी होगा वरना आदमी की नजात नहीं होगी तो खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस हजार रकम के बाद नबूवत को मानना इसके कितने दूर रस नतज और कितने ख़तरनाक नतज जो है वह बरामद होते हैं हम मुसलमान ही नहीं रहते और यही वजह है कि ये मिर्जाई कादानी ख़ुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उनके बेटों ने जो बाद में उनके खलीफा हुए उन्होंने सराहत के साथ लिखा जो हजूर अक्रमली जो हदसी को मानता है हजूर अक्कमल्म को नहीं मानता जिस तरह से वो काफ़िर है इसी तरह से जो हजूरकम को मानता है और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानीानी को नबी नहीं मानता वो काफिर है दायरा इस्लाम से खारिज है वो जहन्नमी है और इस तरह के उन्होंने अलकाबाद उन लोगों के लिए रखे हैं जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को नहीं मानते तो मेरे भाइयों ये ख़त्म नबूवत का अकीदा ये बुनियादी अक़ीदा उम्मत मुस्लिमा ने हमेशा इसकी हिफाज़त की है और जब कभी किसी ने नबूवत का दावा किया उम्मत मुस्लिमा उसके ख़िलाफ़ सफ़ आरा हुई है उन्नीसवीं सदी ईस्वी में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का फितना हिंदुस्तान में उसत बर्र सिगीर पाक विंद था पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग नहीं हुए थे उसमें यह फितना पैदा हुआ अंग्रेज़ ने इसकी सरपरस्ती की मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा और इसने अजीब व गरीब दावे किए पहले महदस होने का फिर मुलहम होने का फिर मेहदी होने का मुजद होने का दावा किया फिर मेहदी होने का फिर मसीह मऊद का और आखिर में उसने नबी होने का दावा किया यह उसके दावे हैं और उसके बाद उसने सराहतन ये कहा कि जो मुझ, मुझ पर ईमान नहीं लाता वो जार्नमी है काफिर है दायरा इस्लाम से ख़ारिज जब यह फितना उठा मुसलमानों नेमा ने शुरू में ही इसकी फ़ित को भाप लिया था कि ये किस तरफ़ जा रहा है जब उसके इब्ताय दावे थे उसके ख़िलाफ़ फतवा जारी किया लुधियाना ने फिर देवंद ने और उस पर सारे आ, मसालिक केमा ने तस्दीक की और हरमेन केलमा ने भी उसकी तस्दीक की और उस वक्त मुसलमानों ने और ख़ास तौर पर अल्लामा इकबाल ने अंग्रेज़ हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि इन कादियानियों को ग़ैर मुस्लिम अकलीत करार दिया जाए इनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं और इकबाल ने साफ़ तौर पर अपने ख़तूत में और अपने, अपने खतबात में इस बात का इजहार किया कि ख़त में नबूत हज़ूर अक्रम सल्ह वम के, के बाद किसी तरह की नबूत का दावा या इस तरह का इल्हाम का दावा करना जिस पर ईमान लाना ज़रूरी हो और जिसको ना मानना कुफुर हो ये खत खत्म, खत्मियत के दीवार में सराह करना है और अमामाकबाल ने इस बात की वजाहत की कि दीन और शरीत ये तो बेशक बाकी हैं किताब व सुनत से लेकिन उम्मत वो बाकी है खत्म नबूत से अगर खत्म नबूत खत्म हो जाए तो उम्मत का उम्मत पना ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसके बाद तो फिर कई कई उम्मतें पैदा होंगी उम्मतें जन्म लेगी इसलिए अकबाल ने सबसे पहले मुतालबा किया था लेकिन अंग्रेज हुकूमत जिसने इसको खड़ा किया था और जो इसकी सरपरस्ती करती थी वो इस मुतालबे को कैसे तस्लीम कर सकती थी बहरहाल पाकिस्तान बन गया कादियानी पाकिस्तान में आ गए उन्होंने रबा एक जगह लेकर उसको रवा के नाम से आबाद किया और बाकायदा अपनी स्टेट बना ली और उस वक़्त पहला पाकिस्तान का खारजा बदकस्मती थे चौधरी जफरुल्ला बना जो पक्का कादियानी था और मिर्जा महमूद जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा था और वो उस वक्त खलीफा था वो पाकिस्तान आया और उसने अपने असर व रसूख को और चौधरी जफरल्ला के ज़रिए से बड़े बड़े मनसूबों पर कादियनीों को बिठाया और इस तरह से वो पाकिस्तान में दंदनाता फिरा और यहाँ तक उसकी हिम्मत बढ़ी कि उसने ऐलान कर दिया कि उन्नीस में हम बलूचिस्तान को अपनी बाकायदा स्टेट बनाएंगे कादियानी स्टेट या वो जिसको अहमदी स्टेट कहते हैं तो उसके खिलाफ खड़े हुए अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद ताह बुखारी रमोत ला की सरकरदगी में सारे मसाले केमामा जमा हुए और मजलिस ख़त में नबूत बनाई गई और उसके तहत जन वो तहरीक चली जिसमें तमाम उस वक्त की सियासी जमातों और तमाम मकाते बेफिक्रेल्मा नेसा लिया उन्नीस सौ तिरपन की, की तहरीक में जिसकी वजह से मिर्ज़ाई और मिर्जा महमूद अपने इरादों में नाकाम हुआ और उस तहरीक को बुरी तरीक़े से कुचल दिया गया हज़ारों अफराद उसमें शहीद हुए हज़ारों क़ैद हुए और उनको गिरफ़्तार किया गया उन पर मुदमत बनाए गए उसकी एक पूरी दास्तान है लेकिन इस तहरीक ने पाकिस्तान के आवाम में मर्जाइत के बारे में एक तरह से आगाही पैदा कर दी कि ये लोग क्या हैं इनके अजाइम क्या हैं और ये क्या करना चाहते हैं सिलसिला चलता रहा उन्नीस सौ चौहत्तर में फिर तहरीक चली और उन्नीस सौ चौहत्तर में तहरीक की बुनियाद ये बनी मुल्तान में नश्तर मेडिकल कॉलेज है उनके तलबा की जो यूनियन होती है उनके इंतबात हुए उन इंतबात में एक कादियानी भी कोई इंताम में हिस्सा ले रहा था यूनियन के इलेक्शन में मजलिस इस खत्म ख़तम नबूत को उसका पता चला उन्होंने आयना पम्फ्लेट नाम ये एक जैन आयना कादियानित के नाम से एक पम्फलेट तैयार किया वो तमाम तलबा में तकसीम किया और उनको बताया समझाया खैर तलबा जीत गए वो वो खादियानी भी नाकाम हुआ इन तलबा ने अलेक्शन जीतने की खुशी में मनसूबा बनाया प्रोग्राम बनाया कि हम सैर तफरी के लिए जाते हैं और पेशावर उन्होंने जाने का प्रोग्राम बनाया इस्टेसन गए खैबर मेल से वो बुक करा आ, अपनी बुकिंग कराना चाहते थे उसमें सीट नहीं मिली चनाब एक्सप्रेस जो है वो वहाँ से रवाना होती थी उसमें उनको सीट मिली एक भोगी उन्होंने अपने बुक करा ली और वो रवाना हुए चनाब एक्सप्रेस ये रवा सरगोदा फैसलाबाद इस रास्ते से होकर जो है वो पिशावर जाती थी रबा इस्टेसन पर 22 मई को ये ट्रेन पहुँची तो रबा जो कादियानियों की स्टेट थी वहाँ कोई आ जा नहीं सकता था उनकी इजाजत के बगैर सारे लोग वही मुतनत थे उसमें उनके अपने फ़ैसले होते थे और जो भी कोई बस या ट्रेन अड्डे पर आती वहाँ पर या स्टेशन पर आती उसमें वो अपना लटरेचर तकसम करते थे तो इसमें भी उन्होंने लटरेचर तकसम किया इन तलबा में भी तकसम किया ये तलबा पहले से मिर्ज़ों और कादियानियों के बारे में आगही हासिल कर चुके थे उस एलेक्शन के ज़माने में तो इनकी दीनी अहमियत फड़क उठी और उन्होंने वहाँ पर उन लोगों से बहस मुबास किया तोनकार हुई और कुछ नारेबाजी भी हुई बहरहाल ट्रेन तो चली गई लेकिन कादियानियों को बड़ा इस पर दुख और रंज हुआ कि हमारी स्टेट में हमारे इलाके में आकर कोई हमारे ख़िलाफ़ कैसे बात कर सकता है उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई उन्होंने इनकी मालूम ली ये आने जाने की सीट बुक करा चुके थे तो मालूम हुई कि उनतीस मई को ये वापस आएंगे और इसी रास्ते से गुजरेंगे इसी ट्रेन से तो रवा से पहले जो स्टेशन आते थे वहाँ पर जो कादियानी थे तो जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती थी वो बस वो उस ट्रेन में सवार होते चले गए जब ये रवा स्टेशन पर पहुँची ट्रेन तो उसको रुकवा लिया गया हालांकि वहाँ वो बमश्किल मिनट का उसका इस्टाफ था और पहले से उसमें कादियानी सवार हो चुके थे और रबा स्टेशन पर वो कादियानी सवार हुए और इन तलबा को उन्होंने बुरी तरीक़े से मारा पीटा लोहे के राड से और जैन क्या हुआ हैंटर से और उनके हाथ में लोहे के पंच थे खूब इनको मारा पीटा ज़ख्मी कर दिया चूँकि ट्रेन काफ़ी देर रुकी रही तो फैसलाबाद स्टेशन जो मास्टर था उसने मालूम की कि भाई ट्रेन अब तक क्यों नहीं पहुँची क्यों वहाँ रुकी हुई है तो मालूम हुआ कि फसाद हुआ उसने वहाँ पर मकामी आलिम थे मौलाना ताज महमूद साहब जो इतफाक़ से रेलवे की मस्जिद में ईमान थे उनको इतला दी और वो था भी जुम्मे का दिन जैसे उनको इतला हुई उन्होंने ट्रेन के आने में अभी बीस मिनट बाकी थे या आधा घंटा उन्होंने लोगों को जितने लोग जमा कर सकते थे जमा कर लिया और इस पर फिर एहतजाज हुआ उन तलबा को वहाँ से उतारा गया उनकी मरहम पट्टी गई पट्टी की गई पुलिस के अफसरान भी आ गए और ये सारे लोग कमिश्नर वगैरह और वहाँ से ये तहरीक चली और मुतालबा किया गया तीन मुतालबात रखे उस वक़्त कादियानियों को ग़ैर मुस्लिम अकलत करार दिया जाए रबा को खुला शहर करार दिया जाए और कलेद कलीदी मुनासिब और से इनको हटाया जाए और जब यह तहरीर चली तो तमाम जमातों की मजलिस अमल बनाई गई उसका सरबरा बनाया गया सैयद मोहम्मद यूसफ बिनौरी रहम को वो पहले भी मजलिस तहफ खत्म में नबूत के अमीर थे मजलिस अमल का भी उनको अमीर बनाया गया और इस तरह से ये तहरीक चली और उस वक़्त उन्होंने मुसलमानों ने ये मजलिस अमल ने यह फ़ैसला किया कि क़ादियानियों का माशी और सोशल बाइकाट किया जाए ये एक बहुत बड़ा हथियार था जो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ पूरी कोशिश हुई कि तहरीक पुरान रहे कहीं कोई तशद के रास्ते पर यह न जाए बड़ी हकमत से उनके उस वक्त के जो रहनम कौम थे और लीडरान थे जो इस तहरीक की क़्यादत कर रहे थे उन्होंने हर मौके पर इसकी कोशिश की कि ये तहरीक पुरान रहे बहरहाल उनतीस मई से ये तहरीक चली और ये मुतालबा जोर पकड़ता गया कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अखलत करार दिया जाए उस वक्त के वजीरम फकार अली भुटो ने तकरीर की तेरह जून या चौदह जून को और ये कहा कि ये बहुत पुराना मसला है नबे साल पुराना मसला है एकदम से कैसे हल हो सकता है सोलह जून को हड़ताल हुई पूरे पाकिस्तान में जिसकी नज़ीर जो है वह नहीं मिलती बहरहाल ये तहरीर चलती रही वज़ी अजम फ़ार अली भुट्टो वो बहुत समझदार होशियार औरी लीडर थे उन्होंने अवामी मुतालबे पर यह मुनासिब समझा कि इसका इस तरह से हल निकाला जाए जो सब के लिए काबिल कबूल हो और बैरी बैरूनी दुनिया भी उसको कबूल करे और उनको भी कोई एतराज़ का मौका ना मिले तो उन्होंने ये मसला कौमी असम्बली के हवाले कर दिया जून के आखिर में यह ऐलान किया कि कौमी असम्बली इस मसले को देखेगी इस पर गौर करेगी और इस पर बहस मुबादा करके अपनी सिफारिशात पेश करेगी जब ये फ़ैसला हो गया तो कौमी असम्बली ने अपने इजलास बुलाए अपनी कमेटियों के इजलास बुलाए कि अब इस मसले को किस तरह से करना है आगे लेकर चलना है उसके लिए बहुत सारे तरीक़ार और ओसूल उन्होंने तय किए इस दौरान मिर्ज़ों का जो सरबरा था मिर्ज़ा नासिर अहमद उसने जुल्फ़कार अली भुट्टो उनके पास जैन क्या है ये अपनी अरजदास पेश की दरख्वास्त रखी कि चूँकि हमारे बारे में फ़ैसला होना है तो हमें भी अपना मौक़ पेश करने का मौका दिया जाए असम्बली में आकर कि हम अपना मौक़ पेश करें वज़र अज़म घबरा गए कि अब ये क्या नई मुसीबत है उस वक़्त हजब इख्लाफ की क्याद कर रहे थे हजरत मौलाना मुफ्ती मामू साहब उनके सामने बात रखी मुफ्ती मामू साहब ने कहा कि एक मिनट भी देर न लगाएं इस बात को उनके इस मुतालबे को तस्लीम करने में बिल्कुल मौका दें भुट्टो साहब हैरान हुए कि आप क्या कह रहे हैं कहा भुट्टो साहब उनको आने दें पता चल जाएगा सबको कि उनके नज़रियात उनके ख्यालात क्या हैं आने तो दें उनको तो ये दरख्वास्त उनकी मंजूर कर ली गई उन्होंने फिर दूसरी दरख्वास्त की कि असम्बली के अंदर तो हैं और उलमा हमारी बेज़ती करेंगे हमसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे हम कैसे वहाँ पर आ सकते हैं तो उस वक़्त जे रहीम ने भुट्टो साहब को ये मशवरा दिया कि अटारनी जनरल के ज़रिए से सवाल किया जाए उस वक्त के अटारनी जनरल थे या है अख्तियार ये बात भी मंजूर हो गई अब सवाल ये था कि कौमी असम्बली के ना मिर्ज़ा नासिर ना लाहौरी ग्रुप के सरबराहान कौमी असम्बली के मम्बर हैं ना अटारनी जनरल कौमी असम्बली के मंबर हैं तो ये कौमी असम्बली में कैसे आएँगे और कैसे वहाँ पर ख़िताब करेंगे तो पूरी कौमी असम्बली को खसूसी कमेटी का दर्जा दिया गया कि उस वक़्त दीगर तमाम रूल और मामला जो है न वो अलहदा रहेंगे और ये खसूस कमेटी अपने इजलास करके सिर्फ़ इस मसले पर गौर करेगी कादियानियों ने एक सौ बयासी सफ़े पर मुश्तमिल अपना एक मज़रनामा तैयार किया जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखी और उसको छपवा कर कौमी असम्बली के तमाम मुंबरान में जो है तकसीम किया और उसके बाद उन्होंने ये भी पेशकश की कि हमें बुलाया जाए हमें सुना जाए तो उनको दावत दी उन्होंने ज़बानी भी अपना मौक़ पेश किया ग्यारह दिन बहस हुई है पाँच अगस्त से ग्यारह अगस्त तक पाँच दिन और उसके बाद जो है वो बीच में कुछ वक्फ़ा हुआ और छः दिन आ, पूरे ग्यारह दिन मिर्ज़ा नासिर पर बहस हुई जरा हुई सवाल जवाब हुए उसने अपना मौक़ पेश किया उसकी बात सुनी गई और अटारनी जनरल ने पूरा पूरा मौका दिया उनको बात करने का अपना मौक़ पेश करने का और दो दिन लाहौरियों का जो ग्रुप था उस पर जो है वह बहस हुई और उसके बाद दीगर कौमी असम्बली के मंबरान ने अपना अपना जिक्र किया मुफ्ती महमूद साहब ने मजलिस तफाफुज ख़त्म नबूत की तरफ से मौक़ उम्मत अमत इस्लामिया का मौक़ नामी किताब किताबा तैयार करके वो असम्बली में तकसीम भी किया और उसको पढ़ कर भी सुनाया मौलाना गुलाम गौस हजारवी साहब ने महजर उनकी कादियानियों के महजर नामा का शिकवार जवाब दिया जिसको असम्बली में पढ़ा गया उनकी तरफ से उनके असम्बली के मेंबर थे मौलाना अब्दुल हकीम साहब उन्होंने पढ़ा और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट का जो है क्या वो हिस्सा बनी रिकॉर्ड का हिस्सा बनी और ये सारा रिकॉर्ड अब पाँच जिल्दों में शाये हो चुका है जो पढ़ने से ताल्लुक रखता है पाँच और छः सितंबर को यहाार ने पूरी बहस को समेटा और उसका खुलासा जो है वह पेश किया और उसके बाद पूरे इजलास ने इस खसूस कमेटी ने एक डराफ तैयार किया कि आइन में ये तरमीम की जाए वो ड्रराफ्ट रात को भुटो के पास भेज दिया गया भुटो ने हजब इख्लाफ किया और अपने नुमाइंदों को बुलाकर इस पर सलाह मशवरा किया और भुट्टो ने इस पर दस्त कर दिया सात सितंबर को कौमी असम्बली का अजलास हुआ खसूस कमेटी की वो सिफारिश व आइनी तरमीमी बिल पेश किया गया उसके बाद वजीर कानून ने उस पर कुछ मुख्तर गुफगू की कायद हजब इख्लाफ़ को जो है क्या कायद हजब इतनाफ़ से पहले वजीम को कायद एवान की हैसियत से दावत दी गई उन्होंने उस पर मुफसल अपने ख़्यालत का इजहार किया फिर कायद हजबिलाफ़ मुफ्ती मामू साहब को मुफ्ती मामू साहब ने भी मुख्तसर उस पर अपना गुफ्तू की और उसके बाद फिर यह बिल ख़ानदगी के लिए पेश कर दिया गया और उस वक्त कौमी असम्बली के इस्पीकर थे साहिबजादा फारूक़ अली उन्होंने ये बिल पेश किया और रायशुमारी उस पर की तमाम कौमी असम्बली मंबर उनको पाबंद किया गया था कि वो इस इजलास में हाजिर हों इसलिए कि ये एक अहम इजलास है कोई मंबर वहाँ से गैर हाजिर नहीं था और जब राय शुमारी हुई तो एक मंबर ने भी मुखालफत में वोट नहीं दिया सब ने मुतफ़ा तौर पर वो आइनी तरमीमी बिल मंजूर किया और इस तरह से कादियानियों को गैर मुसलिम अकलीत करार देने की जो ये तरमीम यह आइन का हिस्सा बनी उसके बाद ये बिल सेनेट में पेश हुआ वहाँ पर भी मुतफ़ा तौर पर इसकी मंजूरी दी गई और वहाँ पर भी ये बिल आ, पास हो गया और इस तरह से आइनी तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलीत करार दे दिया गया सात सितम्बर को मजलिस अमल के अमीर हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बनौरी रमतल ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी और पूरी कौम से ख़िताब करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तहरीक में कामयाब हुए और उन्होंने कहा कि ये किसी एक का काम नहीं है इसमें ये हकूमत का भी इसमें हिस्सा है जितनी जमातें हैं सियासी उनका भी हिस्सा है और मज़हबी जमातें उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है और आवाम उन सब का ये एक मुतफ़ा फ़ैसला है और पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और हैर मुफ्ती साहब ने कहा कि इस आयन से पहले इस तरमीम से पहले कादियानियों की कोई हैसियत नहीं थी ना वो गैर मुस्लिम में शुमार होते थे इसलिए कि उनका नाम आयन में नहीं था जिस तरह से हिंदू सिख और दूसरे लोग ईसाई वगैरह कादियानियों का उसमें कोई नाम नहीं था और वो मुसलमान भी नहीं थे ना गैर मुस्लिम अकलियतों में शुमार होता था ना मुसलमानों में इस आयनी तरमीम ने उनको एक दस्तूरी हैसियत दे दी एक आइनी कानूनी हैसियत दे दी अब वो गैर मुस्लिम अकलीत की हैसियत से इस पाकिस्तान में रह सकते हैं उनकी जान माल इज्जत का तहफ़ हकूमत की जिम्मेदारी होगी अगर वो इसको तस्लीम कर लेते हैं और ज़िम्मी बनकर यहाँ पर रहते हैं बल्कि ये कहा कि अगर कोई उनके जान माल के दर पर होता है उनकी इज़्ज़त के दर पर होता है तो ये सख्त गुना है क्योंकि हदीस में एक ज़िम्मी की जान माल इज़्ज़्ज़्ज़्ज़्त की आबरू की हिफात का बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ बयान किया गया है बिनोरी साहब रहमत ला ने बायदा उनको दावत दी कि इस इस आइनी तरमीम को वो तस्लीम करें और अपनी ज़िम्मेदार जि दि जिम्मे की हैसियत से वो इस मुल्क में रहें और उनको तमाम वो वक़ूक हासिल होंगे वो अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं और वह सब कुछ कर सकते हैं उनको कानूनी तौर पर अब इंतखबा में हिस्सा लेने की भी गैर मुस्लिम अकलीत की हैसियत से अपना वोट वोट वोटर वो लिस्ट में अपना इंदराज करा सकते हैं इस पर इंत लड़ सकते हैं ये उनको एक कानूनी हैसियत दी गई लेकिन अफसोस है कि कादियान ने आज तक ना इस आइन को माना ना इस आइनी तरमीम को माना और ना अपनी इस कानूनी हैसियत को तस्लीम किया वह आज भी इस बात पर मुशर है और बरबला कहते हैं कि हम इस आइन को नहीं मानते और कहते हैं कि इस आइन को हम कैसे तस्लीम कर लें जिसने हमारी नफ़ी की है हालांकि यह आइन नफ़ी नहीं कर रहा उनको उसने एक कानूनी हैसियत दी है उनकी एक कानूनी हैसियत हो गई अगर वो समझें और इस पर आ, वो तस्लीम कर लें और अपने आप को गैर मुस्लिम अकली करार दे तस्लीम कर लें तो जो हकूक़ गैर मुस्लिम मुसलित के, तो के पाकिस्तान में हैं वो तमाम हकूक़ इनको भी हासिल हैं लेकिन ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं आइन से गद्दारी करते हैं और आज भी ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं और तमाम मुसलमानों को काफिर कहते हैं और आलमी बरदरी उस पर भी हैरत और ताज्जुब है कि एक तरफ ये दस्तूरी और आइनी फैसला है और बाद में भी पार्लियामेंट ने इसकी बार बार तोसीक़ की है उसके बाद ये अदालतों में गए हैं कि हमारी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है लेकिन तमाम अदालतों में चाहे वो हाई कोर्ट हो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट हो शरीयत बेंच हो शरीत अपीलेट बेंच हो उन सब में ये गए हैं सब ने इनके बारे में यही कहा कि तुम्हारा मुसलमानों से और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं तुम इस्लाम और मुसलमानों से अलग हो लिहाजा मुसलमानों के जो शायर हैं उनको तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते अदालतों के फैसले हैं पूरी दुनिया के जितने दीनी इदारे हैं जो इफ्ता हैं जो दीन की तशरी करते हैं उन सब ने भी जहाँ जहाँ इनका मसला गया आज तक तो कोई ऐसा अदारा दीनी नहीं है जिसने इनके कफ्र का फतवा ना दिया हो और ये फतवा ना दिया हो कि ये दायरे इस्लाम से ख़ारिज हैं रब इस्लामी और दूसरे इस तरह के इदारे तो हैरत है कि एक तरफ एक अरब से ज़्यादा मुसलमान उनका मौकफ़ है और सारी अदालतों का मौकफ़ है दस्तूरी तौर पर और पार्लिमानी तौर पर इनके खिलाफ फैसला है और एक तरफ ये चंद लोग हैं और ये खुद अपने आप को मुसलमानों से अलग कहते हैं और मुसलमानों को अपने अलग जो है वो कौम करार देते हैं लेकिन उसके बावजूद मालूम नहीं क्यों ये ख़ुद भी अपने आप को मुसलमानों में घुसाने की और मुसलमान कहलाने पर मुसिर हैं और पूरी दुनिया खसूस मगरबी दुनिया और यूरोप और अमरीका इनको मुसलमानों में घुसाने और मुसलमान कहलाने पर मुसर है सारे मुसलमानों के फैसले के ख़िलाफ़ ये आ, वो खड़े हैं और मुसलमानों के फैसले को तस्लीम नहीं करते हाल सात सितम्बर का दिन हमें ये आ, याद दिलाता है कि हमने जिस मेहनत से जिस कुर्बानी से तहरीर चलाई थी और ये फैसला कूमत से करवाया था और हकूमत ने मुसलमानों के जज्बात और मुतालबे को देख कर ये फ़ैसला किया था और आयनी तौर पर तरमीम की थी आज हम उसकी याद बनाएँ और आज हम तजीद अहद वफा करें कि हम इसी तरह से हजूर अकरम सल्लि वम्म की ख़त्म नबूत की हफायत करते रहेंगे और हजूर अकरम सल्लि की इज़्ज़त नामो की हिफायत करते रहेंगे और जो भी आपकी इज़्ज़ नामोश पर और ख़त्म नबूत हमला करने की कोशिश करेगा या उसके ख़िलाफ़ साजिश करेगा हम उस साज को कामयाब नहीं होने देंगे सात सितंबर का दिन हमें ये याद दिलाता है और यही मैंने कुछ मारज़ात आपके सामने रखें वाख्रदावाना अलहमदिल्ल रबी